अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर वन का सिर्फ एक ही पार्ट किया था, बाकी मैंने कहा था कि आप आपसे कर लेंगे और मैंने शायद आपको असाइनमेंट भी दी थी, ठीक है। तो अभी तक किसी ने नहीं किया तो आप ही कर लेना वो, ठीक है। और मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, देखिए इससे आपकी लर्निंग होगी। अगर टू वे अंडरस्टैंडिंग होगी, लर्निंग होगी, तो फिर मैं भी उतना ही जज्बे से और शौक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मैं जस्ट अपने वीडियोज ऐसे ही अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू में हमें जो है वो गिवन है कि y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n माइनस 23, ठीक है। अब वहां पे हमें जो है इसने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कहता है कि अगर y 4 है तो y 4 है जबकि x क्या है 3 है, मतलब जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। उसी तरह से जब कहता है कि x की वैल्यू अगर 9 है तो y की वैल्यू क्या है 220 है। तो अब ये दो वैल्यूज हैं, इट मींस के पहले मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरी एक इक्वेशन बनेगी, फिर मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरी एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, और फिर उन दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ए और एन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप खुद से कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं उसको, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। सोल्यूशन तो सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले हम करते हैं भाई जो पहला केस है ना, इसमें हम पुट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x and y as, अब x और y की वैल्यू मैं कौन सी पुट कर रहा हूं यहां पे, देखिए y मेरा क्या है 4 है तो वहां पे मेरा a, x क्या है मेरा 3, ठीक है। इसी तरह से n मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है तो n सेम रहेगा और माइनस 23, तो ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस मेरे पास क्या था, ये वाला केस था, वहां पे y की वैल्यू मेरे पास क्या थी 220, ठीक है, इज इक्वल टू a और x की वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू मेरे पास क्या थी यहां पे 9, ठीक है 9, ठीक है। उसके बाद पावर n और माइनस 23, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गए। अब इन दो इक्वेशंस को लेकर मुझे सामने लेने से आप सॉल्व करें या कोई भी वे आपको समझ आता है तो आप उसके हिसाब से सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो आइए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन मेरे पास जो बनी थी वो ये बनी थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, हम क्या करते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू निकालता हूं और वो पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। फ्रॉम मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं a की वैल्यू अगर निकालू, दिस इंप्लाइज a इंटू 3 पावर n जो है मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो 4 प्लस 23 बन जाएगा मेरे पास ये, ठीक है 4 प्लस 23। दिस इंप्लाइज अब मेरे पास ये क्या बन गया a, ठीक है 3 के ऊपर पावर n इज इक्वल टू 4 प्लस 23 कितने हो जाएंगे 27, ठीक है 27 हो गए। अब देखें मैं क्या करता हूं, मैं इस a को फाइंड करता हूं, a इज इक्वल टू इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं तो ये मेरे पास बनेगा 23 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर पावर n, ठीक है। अब ये भी 3 में है तो इसको भी मैं 3 में बना सकता हूं, कैसे देखें a इज इक्वल टू मैं 3 के ऊपर पावर 3 दे दूंगा तो मैं ये क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर पावर n। देखिए मैं आपको बार बार समझाता था ये वाली चीजें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब मैं जो है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक दो बार समझाई थी, मैं डायरेक्ट इसको करता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप प्रीवियस लेक्चर से इसको समझ लेना और थोड़ा फास्ट से सॉल्व करना सीखे, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, a की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी इसको मैं ऊपर ले जाऊं 3 के ऊपर, ठीक है 3 पावर 3 इंटू 3 पावर माइनस n, ये यहाँ पे प्लस n था ऊपर चलाएगा माइनस n, दिस इंप्लाइज जो a मेरा आएगा वो क्या आएगा 3, अब ये दोनों की बेस सेम है तो 3 माइनस n, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है यहां तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैंने पहले इक्वेशन में से निकाला a की वैल्यू, अब इसको मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो आइए हम यहां पे लिख देता हूं एक्सपेरिमेंट पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं। अब इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, ये वाले तो ये क्या हो जाएगा 220 इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 पावर 3 माइनस n, ठीक है इंटू 9 पावर n माइनस 23, ठीक है। अब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है 220 ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 23
इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास ये क्या है 3 की पावर 3, इसको भी मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये मेरे पास होगा 3 3 माइनस n, इसको मैंने सेम रखा, इसको मैं 3 में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है 9 के ऊपर पावर है n, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर पावर n, ठीक है ये हमने यहां तक कर लिया। अब 220 प्लस 223 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 243, ठीक है 243 हो गया ये। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है, अच्छा इसको अब मैं क्या करता हूँ सेपरेट करके लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नंबर मिलेगा रियल, तो 3 के ऊपर पावर 3 रख लेता हूँ मैं, और 3 के ऊपर मैं पावर रख लेता हूँ माइनस एन, इसी तरह से यहाँ पे भी मैं रख लेता हूँ 3 के ऊपर ये कितना हो जाएगा पावर 2 n, ठीक है तो ये मेरे पास हो जाएगा 243 = 27 इंटू 3 पावर माइनस n प्लस 2 n, ठीक है। अब देखिए 27 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो इस तरफ जाऊंगा डिवीजन हो जाएगी, 243 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू ये मेरे पास बन जाएगा 3 के ऊपर, अच्छा ये माइनस का है ये प्लस का 2 है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस का n। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ये 1 टाइम लगेगी और ये 9 टाइम लगेगी इसको टेबल, ठीक है तो मेरे पास आंसर जो आया हमें 9 = 3 की पावर n, सही है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है अब देखिए ये 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 = 3 की पावर n। अब दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी बराबर होगी, तो 2 = हो जाएगा n, दिस इंप्लाइज n का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ठीक है तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अभी मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, a की, ठीक है तो a की वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ n को पुट कर देता हूँ इसमें, तो हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, क्या है हमारे पास ये 3 नंबर इक्वेशन है, ठीक है इक्वेशन 3 में। अब इसमें जब मैं पुट करूंगा तो a मेरा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 पावर 3 माइनस n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3 पावर, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई ओनली 3, ठीक है पावर 1 है तो आंसर 3 आएगा, ठीक है तो हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास n की वैल्यू जो आई वो क्या आई, n इज इक्वल टू 2 आया एंड ए इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3, तो ये मेरे पास क्या है इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। सेम अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं आप क्या करें, इस इक्वेशंस को इन आंसर्स को पुट करें इसकी फर्स्ट जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें, ठीक है इसमें पुट करें, पहले केस के लिए y 4 रखें यहाँ पे और x 3 रखें, उसके साथ साथ a 3 रखें और n 2 रखें और देखें आपका दोनों तरफ से आंसर सेम आता है या नहीं आता, ठीक है आई होप कि आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है चलो मैं एक ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे आपको बता दूं, बोर्ड में जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, पहले इसमें 4 है इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास क्या है वहां पे 3 है, पावर n की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है माइनस 23। अभी देखिए 4 इज इक्वल टू ये 3 अब ये 9 ये माइनस 23, 4 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 27, ठीक है माइनस 23 तो 4 इज इक्वल टू मेरे पास 4, ये देखिए ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप उनको भी दूसरे जो क्वेश्चन है उनको भी ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।